अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टिफिन फूडी। टिफिन फूडी में आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं स्ट्रॉबेरी सिरप। तो उसके लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत हो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है आजकल। थोड़ा सा प्रेस करेंगे और हम अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लेंगे। इसकी वीडियो, इसकी रेसिपी मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल आपको और आपकी फैमिली को सेफ रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स लिए वो मैं आपको बता दूँ। स्ट्रॉबेरी, ठीक है, इसके साथ वाटर, चीनी, लेमन जूस। इसकी अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप सिट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ नमक। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो यहाँ मैंने एक देज की ली है, ठीक है, फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें चॉप की हुई स्ट्रॉबेरी डालूंगी। स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लें, ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी, ठीक है, फॉर टेस्ट 1 पिंच ऑफ नमक, लेमन जूस, पानी, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब तक पानी खुश्क नहीं होता तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए हमारा पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेते हैं। चलें अब हम अपने सिरप को स्ट्रेन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक छलनी ली है, उसके नीचे हमने एक बाउल रखा है, तो उसके अंदर हम ये अपना मिक्सचर सारा डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको चम्मच की मदद से स्ट्रेन कर देंगे। देखिए इसी तरह प्रेस करते जाएंगे हम। लीजिए हमारा स्ट्रॉबेरी सिरप तैयार है। इसको आप टॉपिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, केक पर, कस्टर्ड पर, आइसक्रीम पर, शेकिंग पे, इस तरह किसी भी जगह पे आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। इससे आने वाली हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ताकि आपको हर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम आपको बता सकें।